रही मॉडर्न लैंग्वेज स्कूल आई टी टू कैंपस इस्लामाबाद। टुडे द डेट इज़ 25 सितंबर 2020। टुडे क्लास वी विल डू अ टेक्स्ट बुक एंड एन एक्टिविटी बुक, सो काइंडली पिक आउट योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट। ओके नाउ क्लास, इट्स पेज नंबर 59। टुडे द डेट इज़ 25 सितंबर, सो राइट अ डेट 25 सितंबर 2020। I have written it. Pre-reading. My pet is sick. Now, look at the pictures below and talk about the questions with your peers. Now, you can see a boy is taking care of a dog, or he is trying to ये उसकी हेल्प कर रहा है, देखे उसको कुछ खिलाने के लिए, ठीक है। ही इज़ स्ट्रगलिंग, वो ट्राई कर रहा है कि वो कुछ खा ले। डॉग बेचारा शायद बीमार है। सो हाउ डज़ द बॉय फील? द बॉय इज सैड। नाउ द नेक्स्ट इज़ यू कैन सी हिम, ही इज़ इन अ हॉस्पिटल एंड ही केम हेयर टू चेक हिज डॉग टू द वेट। हाँ, वेट का मतलब होता है डॉक्टर्स, मतलब जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको वेट कहते हैं। तो ये वेट के पास इसको लेकर आया ताकि वो चेक करा दे। सो वेयर आर द बॉय एंड हिज पेट डॉग? दे आर इन द हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल। ओके सो नाउ टर्न आउट योर पेज, दैट इज़ पेज नंबर 60। नाउ इट्स पेज नंबर 60। रीडिंग। हार्ड इज काइंड डीड। Read and enjoy the story about a kind thing that Hardy did. Now, it's a story about Hardy. He's a boy and what are his kind deeds or how does he do, how does he help a bird, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो है वो हम इसमें रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्डी वॉज फीलिंग हैप्पी एज ही वॉक्ड होम। हार्डी वॉज फीलिंग हैप्पी एज ही वॉक्ड होम। ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट कट, अंडरलाइन इट, सो दैट ही कुड हरी होम टू कैच हिज फेवरेट कार्टून ऑन टेलीविजन। फेवरेट, अंडरलाइन इट। As he was walking past some trees, he heard a noise coming from a nearby bush. Curious, Hardy went near the bush to investigate. Underline it, investigate. He saw a little bird lying on the ground. It flapped its wings, flapped, underline it, its wings and tried to stand, but it could not do so. Hardy took a closer look and realized that it had injured its leg. Injured and realized. You must have fallen from the tree, he said, as he picked up the little bird gently. Gently picked up. He felt really sorry for the bird. Now it's page number 61. Without delay, underline it, he made his way to Dr. Samir's veterinary clinic. Veterinary clinic, वही वाला animal hospital, ठीक है। Animals का जो clinic होता है उसे veterinary clinic कहते हैं, ठीक है। What have you got there, Hardy? Dr. Samir asked Hardy. Explained how he found the bird. Now, in the next paragraph, he is explaining that how he has found her bird. So, the poor fellow's leg is broken, but I can fix that. Hardy waited patiently as Dr. Samir bandaged the little bird's injured leg. Bandaged. Patiently. It should be fine in a week or so, said Dr. Samir with a smile.
Hardy left the clinic with the bird placed in a small shoe box with holes in it. "Don't worry, I will take care of you until you get well enough to fly again." ये हार्डी ने सब बोला है, ठीक है. ही सेड टू द बर्ड काइंडली. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन उर्दू. नाउ हार्डी वॉज फीलिंग हैप्पी एज ही वॉक्ड होम. जब वो घर आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा बच्चा जो हार्डी था वो बहुत ज़्यादा खुश था. ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट. उसने सोचा कि वो एक शॉर्टकट ले ले सो दैट ही कुड हरी होम टू कैच हिज फेवरेट कार्टून ऑन टेलीविजन. अब उसने सोचा कि मैं एक शॉर्टकट ले लूँ ताकि मैं जल्दी से घर पहुँच के ना टीवी का एक कार्टून है वो देख लूँ, जो उसका फेवरेट कार्टून है वो देख ले वो. एज ही वॉज वॉकिंग पास सम ट्रीज, वो जब कुछ ट्रीज़ के पास से गुजर रहा था, ही हर्ड अ नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द नियर बाय बुश. उसने सोचा, उसने सुना, उसे कुछ आवाज़ आई कुछ नियर बाय बुश, यानी करीब की, जो नियर बाय को भी अंडरलाइन कर लें आप लोग, करीब की जो बुश थी, झाड़ थी, उसके अंदर से उसको आवाज़ आई. क्यूरियस, अंडरलाइन इट अगेन. हार्डी वेंट नियर द बुश टू इन्वेस्टिगेट. अब वो थोड़ा सा ना सोच बिचार में पड़ गया कि इस चीज़ की आवाज़ है, तो वो उसके पीछे चला गया इन्वेस्टिगेट करने, उसे देखने चला गया कि किस चीज़ की आवाज़ है. ही सॉ अ लिटिल बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड. ही उसने क्या देखा कि एक छोटा सा परिंदा ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है. इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स. वो क्या कर रहा था, वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहा था, वो अपने विंग्स को, अपने परों को फड़फड़ा रहा था. एंड ट्राइड टू स्टैंड, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, बट इट कुड नॉट डू सो. लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा था, जाहिर है उसे इंजर्ड था ना, वो उसे ज़ख्मी था वो. Hardy took a closer look and realized that it had injured in its leg. अब क्या हुआ कि उसने थोड़ा करीब से जाके देखा उस बर्ड को, तो वो पता लगा कि उसकी जो लेग थी बर्ड की वो थोड़ी सी ज़ख्मी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. You must have fallen from the tree. अब ये जो है ना, Hardy ने बोला कि यकीनन, बर्ड को बोला कि तुम यकीनन तुम ना दरख्त के ऊपर से गिरे होगे. As he picked up the little bird gently, उसने बड़े आराम से उसको उठाया बर्ड को. ही फेल्ट रियली सॉरी फॉर द बर्ड. उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था बर्ड के लिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज. विदाउट डिले, बग़ैर देर किए, ही मेड हिज वे टू डॉक्टर समीर्स वेटरिनरी क्लिनिक. अब क्या हुआ, वो डॉक्टर समीर के पास चला गया जल्दी से, बग़ैर किसी देर के, विदाउट डिले उनके क्लिनिक चला गया. वॉट हैव यू गॉट देयर हार्डी. तुम यहाँ क्या लाए हो हार्डी, डॉक्टर समीर आस्ड, डॉक्टर समीर ने पूछा. हार्डी एक्सप्लेन्ड हाउ ही फाउंड द बर्ड. फिर उसने एक्सप्लेन किया हार्डी ने कि मैंने किस तरह मुझे बर्ड मिला और क्या हालत थी उसकी. द पुअर फेलोज लेग इज़ ब्रोकन बट आई कैन फिक्स दैट. अभी जो डॉक्टर है वो कहता है कि मैं जो है ये फिक्स कर दूंगा, उस बेचारे मासूम की जो टांग है वो, आप परेशान नहीं हो. हार्डी वेटेड पेशेंटली. हार्डी ने बहुत मुश्किल से जो है ना, मतलब उसको वेट किया, उसने वेट किया आराम से कि भाई जल्दी से उसकी टांग ठीक हो जाए. एज डॉक्टर समीर बैंडेज्ड द लिटिल बर्ड्स इंजर्ड लेग. जब जैसे जैसे वो, जिसने देख लिया आप लोग पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो बैंडेज कर रहे हैं उसकी टांग को, तो वो हार्डी जो था वो वेट कर रहा था आराम आराम से. इफ इट शुड बी फाइन इन अ वीक और सो, डॉक्टर कहता है कि ये जो है ये एक हफ्ते में या थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा. सेड डॉक्टर समीर विद अ स्माइल. वो उनके फेस पे स्माइल थी और वो कह रहे थे कि ये बर्ड इंशाल्लाह जल्दी, मतलब जल्दी सही हो जाएगा विद इन अ वीक. हार्डी लेफ्ट द क्लिनिक विद द बर्ड प्लेस्ड इन अ स्मॉल शू बॉक्स विद द होल्स इन इट. अब क्या हुआ, हार्डी ने क्या किया, अब जाहिर उन्होंने बैंडेज तो कर दी थी, तो हार्डी ने क्या किया, वो एक शू बॉक्स लिया, उसके अंदर बर्ड को रखा और जिसके अंदर होल्स कर दिए ताकि उसे सांस आ जाए. डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू अंटिल यू गेट वेल एनफ टू फ्लाई अगेन. हार्डी अब उसको कहता है, ही सेड टू द बर्ड काइंडली. हार्डी जो है वो बर्ड को कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा देखभाल करूँगा, तुम परेशान ना हो, और तब तक करता रहूँगा जब तक तुम फ्लाई अगेन, मतलब तुम दोबारा से उड़ना, उड़ने के काबिल ना हो जाओ, ठीक हो गया. सो ही हेल्प द बर्ड. टॉक अबाउट दीज क्वेश्चन विद योर पीयर्स. वॉट डू यू थिंक ऑफ हार्डीज काइंड डीड. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अ काइंड डीड. टेल योर फ्रेंड अबाउट अ काइंड डीड दैट यू डिड. ओके, नाउ पिक आउट योर एक्टिविटी बुक्स. नाउ क्लास इज एक्टिविटी बुक पेज नंबर 54. रीडिंग एक्सरसाइज 4C. नाउ काइंडली राइट द डेट 25th September 2020. नाउ रीडिंग एक्सरसाइज 4C. हार्डीज काइंड डीड. वी हैव ऑलरेडी रेड इट.
रीड द स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक अगेन देन नंबर द सेंटेंसेज बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग 1 to 6 इन द ब्रैकेट्स ओके नाउ दे आर अनअरेंज्ड ओके यू विल अरेंज दैम ओके एंड राइट द नंबर इन दीज ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू दीज ठीक है सो नंबर वन हार्डी फाउंड अ बर्ड विद एन इंजर्ड लेग हार्डी वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल हार्डी डिसाइडेड टू कीप द बर्ड अंटिल इट गॉट बेटर डॉक्टर समीर ट्रीटेड द बर्ड एट हिज क्लिनिक हार्डी टुक द बर्ड टू अ वेटरिनेरियन हार्डी हर्ड अ नॉइज इन अ बुश सो अरेंज्ड इट नंबर वन वुड बी सेकेंड वन हार्डी वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल नाउ राइट वन इन दिस ब्रैकेट नंबर टू वुड बी हार्डी हर्ड अ नॉइज इन अ बुश राइट नंबर टू नाउ नंबर थ्री वुड बी हार्डी फाउंड अ बर्ड विद एन इंजर्ड लेग राइट थ्री हियर हार्डी टुक द बर्ड टू द वेटरिनेरियन नंबर फोर डॉक्टर समीर ट्रीटेड द बर्ड एट हिज क्लिनिक इट्स नंबर फाइव राइट फाइव हियर एंड The last one would be Heidi decided to keep the bird until it got better. It's number 6. Okay? Now page number 55. Okay, it's page number 55. Answer these questions. Why was Heidi trying to hurry home? Write Heidi was in hurry to watch watch his favorite favorite cartoon okay How was Hardy feeling as he walked home? He was happy, right? He was happy. H-A-P-P-Y, happy. Full stop. What was wrong with the bird near the bush? Its leg was injured, right? Its leg was इंजर्ड उसकी टांग जख्मी थी INJURED इंजर्ड फुल स्टॉप ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड डॉक्टर समीर डू टू हेल्प ही राइट ही बैंडेज्ड BANDAGED बैंडेज्ड इट्स लेग फुल स्टॉप Okay. Now next is how long will the bird take to get well? कि उसको ठीक होने में कितना टाइम लगना था? Almost 1 week. Week. Full stop. Now the last one is what do you think Hardy is like? I think right. I think Hardy is a good boy. Full stop. I think Hardy is a good boy. Okay.